आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के नगर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल चौक स्टेशन रोड स्थित एक मेडिकल में एक 17 वर्षीय किशोरी के साथ तीन दरिंदों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं नगर थाना की पुलिस ने पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान बेतिया जिले के मंगलपुर निवासी दिवाकर पांडे, आईटीआई कॉलोनी निवासी अनिल पांडे और हॉस्पिटल चौक स्टेशन रोड निवासी दवा दुकानदार विनोद कुमार के रूप में की गई। आपको बताते चले कि सिवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 17 वर्षीय किशोरी पिछले 4 दिनों से सिरदर्द का इलाज कराने आरोपी विनोद कुमार के मेडिकल में आती थी, लेकिन सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा था। इसी बीच विनोद ने उसे झाड़फूंक कराने की सलाह दी और दुकान पर रोज फूल देने वाले एक आरोपी दिवाकर पांडे से संपर्क कर तांत्रिक को बुलाने की बात कही, जिसके बाद आरोपी तांत्रिक अनिल पांडे संपर्क कर उसे गुरुवार की रात विनोद पांडे के मेडिकल में बुलाया गया और इधर झाड़फूंक कराने के लिए किशोरी को बुलाया गया। किशोरी अपनी माँ और चचेरा भाई के साथ गोपालगंज स्थित विनोद मेडिकल में पहुंची, जहाँ देर रात उसका सिर दर्द कराने का दावा करने वाले तांत्रिक द्वारा पूजा पाठ के बहाने किशोरी को दूसरे रूम में रखा गया, जबकि उसकी मां और भाई को दूसरे कमरे में रखा गया। इस दौरान झाड़फूंक के नाम पर किशोरी के साथ तीनों आरोपियों ने बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता ने मौका पाकर तत्काल इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी। सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच करते हुए इसकी सूचना नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और पीड़िता को बरामद कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पीड़िता का सदर अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इस संदर्भ में एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि डायल 112 को एक नंबर से सूचना मिली थी। सूचना पर पहुंची टीम ने एक लड़की को बरामद किया गया है और तीन लोगों को सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि झाड़फूंक के बहाने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, ये बताया गया कि तांत्रिक द्वारा ठीक किया जा सकता है, जिसका तबीयत काफी दिनों से खराब थी। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुबह नगर थाना क्षेत्र की डायल 112 की टीम को एक पैनिक कॉल आया था, जिसमें एक लड़की के द्वारा पैनिक कॉल किया गया था कि कुछ लोग हैं जो उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं। तो गंभीरता को देखते हुए डायल 112 की टीम इमीडिएटली जो घटनास्थल बताया गया वहाँ पर पहुँच करके उन्होंने बच्ची को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद में चीज़ें सामने आई कि उस बच्ची की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब थी और उसको ये चीज़ बोल करके कि तुम्हारी तबीयत एक तांत्रिक के द्वारा झाड़फूंक करके सही की जा सकती है, उसको लेकर के आया गया यहाँ पे विनोद मेडिकल के पास में। उसको एक रूम में रखा गया, वहाँ पर उसके साथ में लगातार दो तीन लोगों ने गैंगरेप किया। तो हम लोगों ने इसमें केस दर्ज किया है और हम लोगों ने तीन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है। तीनों कुछ दो व्यक्ति पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और एक टाउन थाने के रहने वाले हैं और हम लोग इसमें इन लोगों को केस करके और आगे जेल भेजेंगे। सर, फॉरेंसिक जांच भी कराई हम लोगों ने, एफएसएल की टीम भी आई है। एफएसएल की हम लोगों ने इसलिए जो कमरा था जहां पर बच्ची और ये सब लोगों को बच्ची को रखा हुआ था इन लोगों ने, हमने उसको सील भी किया है और हम लोग इसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाए हैं और बच्ची का भी आगे जो भी विधिवत प्रक्रिया होती है मेडिकल 164 वो सब हम करा करके कोशिश करेंगे कि इसका स्पीडी ट्रायल करा करके इन लोगों का कन्विक्शन कराएं। हमें आपत्तिजनक सामान इनके पास से नहीं बरामद हुआ है, लेकिन जो झाड़फूंक का सामान होता था जैसे कि लौंग, काला धागा, कसैली, मटका, ढक्कन, पीतल का, जो ऐसा माहौल बनाने के लिए कि झाड़फूंक करके तुम्हारी बीमारियां सही हो जाएंगी, वो सारा सामान हमने इनके पास, सिंदूर, नारियल, वो सारी चीज हमने बरामद की। कहां के रहने वाले दोनों तांत्रिक सर? पश्चिम चंपारण के दो लोग रहने वाले हैं और एक टाउन थाने का ही रहने वाला है। गोपालगंज के जिलाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर प्रशांत कुमार सीएच को गोपालगंज का नया डीएम नियुक्त किया गया है। प्रशांत कुमार सीएच 30 सितंबर को नए डीएम के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। प्रशांत कुमार सीएच वर्तमान में समाज कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। प्रशासनिक महकमे में उनका अनुभव और कुशल नेतृत्व की काफी सराहना होती है। गोपालगंज के निवर्तमान डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने अपने कार्यकाल के दौरान कई अहम परियोजनाओं पर काम किया, जिनमें विकास कार्यों की गति तेज करने पर विशेष ध्यान दिया गया। नए डीएम प्रशांत कुमार सीएच के आगमन से जिले में प्रशासनिक स्तर पर
कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार उनके अनुभव से जिले के विकास और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलने की संभावना है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के कुचायकोट ओवरब्रिज के नीचे किराए के मकान में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन, लैपटॉप, एक टैब बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान भोरे थाना क्षेत्र के कुवाणी डी गांव निवासी सुदामा शाह के बेटा नंद किशोर कुमार, नेता मोड़ हुसैनपुर निवासी रामाश्रय गौड़ का बेटा विकास कुमार, लोसी निवासी जयप्रकाश शाह का बेटा लखन कुमार और छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के सेक्टर 1 दुर्गा पंडाल के वार्ड नंबर 41 सड़क नंबर 3 निवासी मोहम्मद इकबाल का बेटा शाहिद हुसैन के रूप में की गई। आपको बताते चले कि कुचायकोट थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के एक किराए के मकान में कुछ साइबर बदमाश रह रहे हैं। प्राप्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार कुचायकोट थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर कुचायकोट ओवरब्रिज के नीचे किराए के मकान में छापेमारी किया गया। छापेमारी के दौरान साइबर बदमाश नंद किशोर कुमार, विकास कुमार, लखन कुमार एवं शाहिद हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 23 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, एक टैब, पासबुक, एक एटीएम कार्ड एवं 2 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस जब पूछताछ की तब आरोपियों ने महादेवा गेम के माध्यम से पैसा ठगी करने की बात स्वीकार की है। इस संदर्भ में SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि कुचायकोट थाना अध्यक्ष को ये सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति छत्तीसगढ़ के कुचायकोट थाना क्षेत्र में रहकर और महादेवा वेटिंग ऐप का बेस तैयार कर रही हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ की। साथ ही मौके से कई सामान बरामद किया गया। साथ ही उनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इनका नेटवर्क छत्तीसगढ़ से ऑपरेट किया जा रहा है। वहां से महादेवा वेटिंग ऐप से लोगों से ठगी करते हैं और यहां के लोगों को कन्विंस कर अकाउंट खुलवाते हैं, उसके लिए कमीशन लेते हैं। यह एक इनलीगल ऐप है। पहले से भी कुछ केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही हैं, इनमें से कुछ लोगों ने छत्तीसगढ़ जाकर ट्रेनिंग भी लिया है। कल कुचायकोट थानाध्यक्ष को सूचना मिला था कि कुछ व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ से कुचायकोट थाना क्षेत्र में रह रहे हैं और महादेव बेटिंग ऐप और रेडियन्ना बेटिंग ऐप के माध्यम से यहाँ पर अपना बेस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सूचना का सत्यापन के लिए जिस जगह पर सूचना मिला था कि कुछ लोग रह रहे हैं वहाँ पर छापेमारी की गई। तो कुचायकोट ओवरब्रिज के नीचे एक किराए के मकान में 4 लोगों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया। इन चारों में से 2 लोग भोरे थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक व्यक्ति दुर्ग छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। और इनके पास से हम लोगों को एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 23 मोबाइल फोन, एक जियो फाइबर का सेट और 2 लैपटॉप, एक टैब, एक पासबुक, ATM कार्ड, बाइक और भी कई सारी चीजें इस तरह की बरामद हुई। और इन लोगों से पूछताछ के क्रम में और जो इनका फोन वगैरह चेक किया गया तो उसमें चीज स्पष्ट हुई कि ये लोग एक नेटवर्क के थ्रू, सक्रिय नेटवर्क के थ्रू छत्तीसगढ़ से ऑपरेट करते हैं और वहां से महादेव बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करते हैं और यहाँ पर लोगों को कन्विंस करके उनका अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, यूजर आईडी बनाते हैं और उसके 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 लिए कुछ कमीशन वगैरह अपना लेते हैं। क्योंकि महादेव बैटिंग ऐप एक इलीगल बैटिंग ऐप है और पहले भी इस पे लगातार कुछ केंद्रीय एजेंसियां काम भी कर रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेते हुए इन लोगों को भी गिरफ्तारी की और अभी इनको जेल भेजा जा रहा है। दूसरे देश से इस ऐप को संचालित किया जा रहा है, इस पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जो इनके फोन से हमको कई सारे टेलीग्राम वगैरह के चैनल्स वगैरह मिले हैं और कई सारी चैट्स वगैरह ऐसी मिली हैं जो संदिग्ध हैं, तो वो जैसे ही उन पे और काम हो जाएगा तो हम लोगों को आगे आपको हम आगे। कब से इनको भी 4-5 महीने हुए, इनमें से 2-3 व्यक्ति हैं जो पहले छत्तीसगढ़ में जाकर के ट्रेनिंग भी लिए हैं इसी चीज की, कैसे मादिंग बैटिंग ऐप को यूज करना है और कैसे यहाँ पर अपना नेटवर्क बनाना है। तो जो भोले वाले लोग हैं या फिर जो लोग जिन लोगों को इमीडिएटली पैसे की जरूरत है तो उनको बैटिंग के माध्यम से कन्विंस करके और ये लोग पैसा वसूलते थे। हाँ, क्योंकि हम लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस से भी संपर्क करके हम लोग इसमें पता करेंगे कि वहां पर भी अगर इन लोगों के पास कोई केस वगैरह हो या फिर कोई आपराधिक इतिहास हो तो उससे हम लोग इसको लिंक करेंगे। हाँ, इनमें टीम ने अच्छा काम किया तो हम लोग इनको पुरस्कृत।
विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोर, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर इमरान हुसैन खान हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट, नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन, एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ, महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज, नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे सातों दिन इमरजेंसी सेवा, कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ, डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट, डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट, डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं, रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज, हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सातों दिन, मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM City। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। माधकर प्रखंड के शिख परसा उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ शुरू हो गई। ज्ञात हो कि इन विद्यालयों में 18 सितंबर से 26 सितंबर तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने पंचायत स्तर पर मूल्यांकन केंद्र या निश्चिन्हित उच्च माध्यमिक विद्यालय में मूल्यांकन कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में शुक्रवार से शिख परसा उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुरानी बाजार उच्च माध्यमिक विद्यालय, पीपरा उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोयनी उच्च माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय माझा सहित सभी उच्च विद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत परीक्षकों की निगरानी प्रधान परीक्षकों द्वारा लगातार की जा रही है। गोपालगंज जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थावे दुर्गा मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन मंदिर प्रशासन थावे की देखरेख में किया गया। कार्यक्रम के दौरान थावे मंदिर के प्रधान पुजारी और प्रबंधक अमरेंद्र दुबे ने पर्यटकों को संबोधित करते हुए थावे मंदिर की महत्ता और गरिमा का वर्णन किया। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी और PLB निधिकांत तिवारी ने मंदिर परिसर में उपस्थित पर्यटकों को नालसा की विभिन्न योजनाओं, ADR की कार्यप्रणाली, विधिक सहायता, पीड़ित प्रतिकर लीगल हेल्पलाइन नंबर 15100, मध्यस्थता और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं को आगामी 14 दिसंबर 2024 को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाली
नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सुलहनीय वादों जैसे बैंक ऋण वाद, बिजली संबंधी वाद, पारिवारिक वाद और सुलहनीय आपराधिक वादों की आपसी सुलह के आधार पर निष्पादन के लिए जागरूक किया गया। इसके लिए उन्होंने श्रद्धालुओं से कार्यालय लोक अदालत या संबंधित न्यायालय या विभाग में संपर्क स्थापित कर अपने वादों को चिन्हित कराने का आग्रह किया। इसके अलावा पैनल अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने नारी शक्ति, नारी उत्थान और महिला सशक्तिकरण के महत्व पर भी प्रकाश डाला। पीएलबी निधिकांत तिवारी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आपसी रजामंदी के आधार पर विवाद समाप्त करने का आह्वान किया और नलसा की विभिन्न योजनाओं, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यों तथा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित हैंडबिल भी वितरित किए गए। थावे प्रखंड में अर्धवार्षिक परीक्षा का मूल्यांकन शुक्रवार से शुरू हो गया जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। प्रभारी बीईओ राजेश कुमार झा ने बताया कि प्रखंड में वर्ग 3 से 8 तक के 8160 छात्रों का मूल्यांकन विभिन्न मूल्यांकन केंद्रों पर शुरू हो गया। उन्होंने ये भी बताया कि प्रखंड में 11 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं जिनमें उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बरारी जगदीश, वृद्धामन, लछवार, नारायणपुर, दतिंगना, एकडेरवा और जगमलवा जैसे विद्यालय शामिल हैं। मूल्यांकन के लिए कुल 132 शिक्षकों की तैनाती की गई, जो प्रतिदिन 50 कापियों का मूल्यांकन करेंगे। इसी प्रकार बीपीएम बबलू पासवान ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लछवार में चल रहे मूल्यांकन केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक संजय श्रीवास्तव, शैलेंद्र कुमार मधुकर और अन्य शिक्षक उपस्थित थे। गोपालगंज के साकी खास सीएसपी लूट कांड मामले में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका गांव थाना पुलिस ने माझागढ़ थाना क्षेत्र के सिपा खास गांव में मोस्ट वांटेड अपराधी रुदल माझी को धर दबोचा। रुदल माझी लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहा था और पुलिस को उसकी तलाश थी। उसका गांव थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार प्रभाकर ने बताया कि रुदल माझी की गिरफ्तारी से इस मामले में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि माझी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह इलाके का कुख्यात अपराधी है। पुलिस अब उसके गहन पूछताछ कर रही है ताकि लूटकांड के अन्य पहलुओं को भी जानकारी हासिल किया जा सके। 127 किलो चांदी के साथ एक कार जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के आगरा से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए तस्करी की जा रही थी। चांदी को पुलिस को पकड़ने में सफलता पाई है। गुप्त सूचना के आधार पर मोहम्मदपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार सानी मोहम्मदपुर पुल के समीप NH-27 पर वाहन जांच के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार से भारी मात्रा में 127 किलोग्राम चांदी बरामद की है जो तस्करी के लिए लाई जा रही थी। 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया जिनसे पूछताछ जारी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने आयकर विभाग को भी सूचना दे दी है ताकि चांदी की तस्करी से अन्य जुड़े पहलुओं की जांच की जा सके। SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस घटना में शामिल गिरोह की जांच की जा रही है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की तस्करी के पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अग्रिम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।